फाइनली लास्ट पार्ट फॉर अवर कंसाइनमेंट। लास्ट क्लास तक भी लास्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या कवर किया, सर्टेन क्वेश्चंस कवर कर लिया। पहला पार्ट में बेसिक्स कवर किया, फिर सेकंड पार्ट में कैसे कंसाइनमेंट अकाउंट बनता है एट इनवॉइस प्राइस एट कॉस्ट वो कवर किया, और उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी देखा था। एंड उसके जस्ट लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट के अंदर हमने क्या चेक किया था कि सर्टेन क्वेश्चंस चेक किया था और कंसाइनी अपने बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करेगा वो अपना हो चुका है। आज क्या करना है, आज कुछ भी नहीं करना, ये जो बचे कुछ क्वेश्चंस है वो अपने को कवर करने हैं। लास्ट में मैंने तुम लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 5 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7 होमवर्क दिया था, एक बार नंबर 5 और नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस अपन करेंगे। देखो नंबर 5 क्या था, फटाफट, मिस राखी कंसाइन 1000 रेडियो सेट्स कॉस्टिंग 900 ईच टू मिस गीता, यानी मेरा कंसाइनर कौन, कौन है मेरा कंसाइनर, राखी कौन सी वाली, सवेरे सवेरे नालायक पंथी, राखी देवी भी तो हो सकती है, हाँ कोई अच्छी बिजनेस वूमेन, खाली उल्टा फुल्टा, मिस राखी जी ये है मेरी कंसाइनर, उसके बाद में गीता जी, ये दोनों वो भी तो हो सकती है जो शार्ट टाइम में आती थी, या नहीं हो सकती, और गीता फोगाट वो रेसलिंग लड़ेगी, बिजनेस नहीं, यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद देखो क्या बोला कि कंसाइन 1000 रेडियो सेट्स कॉस्टिंग 900 ईच, इसने इसको रेडियो सेट्स भेजे, कितने 900 रेडियो सेट्स भेजे हैं, क्या भैया 900 रुपए तो वैल्यू है, 1000 रेडियो सेट्स भेजे हैं, 900 रुपए का एक रेडियो सेट है, क्लियर है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 900000 रुपए। ऑन 1st of July 2020 मिस राखी इनकर्ड द फॉलोइंग, ये राखी तो कंसाइनर है, यानी कंसाइनर ने फॉलोइंग एक्सपेंसेस किए, कंसाइनर ने क्या क्या एक्सपेंस किया, कंसाइनर ने फ्रेट का खर्चा किया गुड्स भेजने में 7650 एंड इंश्योरेंस का एक्सपेंस किया 3250, दैट मींस दीज टू एक्सपेंसेस आर माय डायरेक्ट एक्सपेंस, गुड्स भेजने से लेके जब तक कंसाइनी के घर पे गुड्स पहुंच नहीं जाता तब तक जितना भी एक्सपेंस होता है क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ये तुम्हारा 1000 रेडियो सेट्स के कॉस्ट का पार्ट बनेगा, क्लियर है। अब आगे चल के क्या बोल रहे हैं, एंड आगे क्या था फिर, मिस गीता रिसीव द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट्स, भेजा कितना और इसके पास पहुंच कितना रहा है, यहाँ पे इसके घर पे कितना पहुंच रहा है, अच्छे से बनाते हैं, इसके घर पे कितना पहुंचा, 950 रेडियो सेट्स, तो भेजा 1000 और पहुंचा 950, ऐसा कैसा हो सकता है, इसका मतलब 50 रेडियो सेट्स क्या हो चुके हैं, रस्ते में ही खत्म, चोरी हो गया या कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। एन अकाउंट सेल्स डेटेड 30th November 2020 शोड दैट 750 सेट्स वर सोल्ड फॉर 9 lakh एंड मिस गीता इनकर्ड 10,500 फॉर कैरिज, मिस गीता वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन 6% ऑन द सेल्स अफेक्टेड बाय हर, सी इनकर्ड एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 2500 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज्ड रेडियो सेट्स रिमेनिंग इन द इन्वेंटरीज, Miss Rakhi lost a claim with the insurance company which was admitted at 35,000. Show the consignment account. इसका मतलब यहाँ जर्नी में रस्ते में ही क्या हो गया, मेरे 50 रेडियो सेट्स खत्म हो गए, एबनॉर्मल लॉस, उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ ट्रांसपोर्टर, यहाँ तक कितने रेडियो सेट्स आए, 950, यहां से लेके इसके घर तक लाने में भी कुछ एक्सपेंसेस लगा है क्या, कैरेज, कैरेज, क्या ये कैरेज भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, यस डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, बट इट विल बी फॉर
950 रेडियो सेट्स ओनली, 50 रेडियो सेट्स पे मेरा कैरेज नहीं लगा है, क्लियर है। अब इसने क्या किया, इसको अकाउंट सेल भेजा, इसने अकाउंट सेल भेजा, अकाउंट सेल में क्या लिखा इसने कि मैंने सेल कर दिया कितना कितना 750 रेडियो सेट्स फॉर रुपीज 9 लाख, राइट। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 750 यानी एक रेडियो सेट उसने कितने में बेचा है, 1200 रुपए में। ऐसे देखें प्रैक्टिकली तो 750 रेडियो सेट्स 1200 करके बेचा है उसने, तभी तो 9 लाख रुपीज का सेल वैल्यू हुआ है, क्लियर है। बट कितना अच्छा है मेरा कंसाइनी मेरे से ओवरराइडिंग कमीशन नहीं ले रहा, हमने तो उसको क्या भेजा था 1000 रुपीज में, 900 रुपीज में भेजा था, बट वो कितने में सेल कर रहा है। तो क्या हुआ, कुछ बोला थोड़ी ना था सेलिंग प्राइस वगैरह, तो ये चाहता तो ओवरराइडिंग कमीशन मांग सकता था, बट यहाँ पे ओवरराइडिंग कमीशन का कोई पॉइंट है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जब कंसाइनर ने कॉस्ट पे भेजा ना, तो उसको लेटर में लिख के भेजा होगा सेलिंग प्राइस कि तुमको वहां पे मार्केट में कितने रुपए में सेल करना है। बट जब कंसाइनर खुद सेलिंग प्राइस पे इनवॉइस भेजता है, फिर उससे ऊपर यदि सेल कर देना, तब ओवरराइडिंग कमीशन का पॉइंट आएगा। यहाँ पे हम यही मान के चल रहे हैं 1200 वाज द नॉर्मल सेलिंग प्राइस डिटरमाइंड बाय द कंसाइनर, बेच दिया। फिर उसने और क्या लिख के भेजा अकाउंट सेल में, उसने बोला कि मेरे पॉकेट से कैरेज लगा हुआ है कितना 10,500 का, और क्या लगा उसके पॉकेट से, रिपेयरिंग का एक्सपेंस लगा कितना 2500 प्लस वो अपना कमीशन भी मांगेगा, कितना रुपीज का कमीशन 9 लाख पे 6%, 9 लाख पे 6% उसका कमीशन होगा 54,000। क्या ये क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? यानी कमीशन वाला पॉइंट तो हमने कैलकुलेट ही कर लिया। अब बात करते हैं इस एबनॉर्मल लॉस की। ये एबनॉर्मल लॉस कितने रुपीज का हुआ, मैं 50 रेडियो सेट्स और एक की वैल्यू 900 रुपए, यानी कॉस्ट कितना 45,000। क्या इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होंगे, यस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होंगे, कितने 7650 प्लस 3250 10,900, लेकिन ये तो 1000 रेडियो सेट्स पे लगा था, तो 50 पे कितना होगा 545। हमें कितने रुपीज का लॉस हुआ है 545 का, और इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल जाएगा मुझे, इंश्योरेंस कंपनी कितना दे देगी 35,000। इसका मतलब नेट एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया मुझे 10,545। क्या ये वाला पार्ट भी हो गया, क्लियर है। ये हो जाएगा मेरा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये कंसाइनर के पॉकेट से एक्सपेंस हुआ तो टू बैंक, ठीक है। ये बाय अबनॉर्मल लॉस बाय इंश्योरेंस कंपनी, कंसाइनी क्या क्या दिखाएगा, टू कंसाइनी बोल के दिस दिस एंड दिस, ये बाय कंसाइनी करके दिखाएंगे हम लोग सेल्स जो किया। अब क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, 950 में से कितना सेल कर दिया, ये तो सेल हो गया, तो स्टॉक में कितना है 200 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 200 कॉस्ट था 900 रुपए का एक, तो कितना हो गया 1,80,000, ये हो गया। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो आएंगे इसमें, पहले वाला डायरेक्ट एक्सपेंस तो ये आएगा, दैट इज 10,900 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 200, और एक डायरेक्ट एक्सपेंस लगा था ना कैरेज वाला 10,500, बट ये 1000 रेडियो सेट्स पे लगे थे क्या,
950 रेडियो सेट्स पे। टू टू वन जीरो पकड़ ले अप्रोक्सीमेटली, हाँ टू टू वन जीरो अप्रोक्सीमेटली। तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? वन एट्टी फोर थ्री नाइनटी। सारा आइटम्स हमने कैलकुलेट कर लिया तो क्या प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा? इससे ज्यादा तो कुछ बचा ही नहीं। देखो सब निकाल दिया था हमने, 9 लाख कैलकुलेट कर लिया, ये दोनों तो था ही, फिर ये उसको मिलना है, ये मिलना है, और ये हमने कैलकुलेट किया कमीशन। सेल्स 9 लाख का था, इंश्योरेंस कंपनी से 35,000 लेना है तो एबनॉर्मल लॉस हमने निकाला और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लोजिंग स्टॉक में देखो क्या होता है, जो स्टॉक उसके पास पड़ा है 950 उसके पास आया था है ना, उसमें से 750 सेल कर दिया तो बचा 200 स्टॉक। अब इस 200 स्टॉक का कॉस्ट क्या है? एक तो परचेज प्राइस 900 रुपए प्लस ये डायरेक्ट एक्सपेंस और प्लस ये डायरेक्ट एक्सपेंस, बट दिस डायरेक्ट एक्सपेंस वॉज इनकर्ड फॉर 1000 टॉयज, तो 200 टॉयज सॉरी नॉट टॉयज रेडियो सेट्स, तो 200 रेडियो सेट्स के लिए कितना लगेगा वो निकाल लिया। फिर ये डायरेक्ट एक्सपेंस किस पे लगा था? 950 रेडियो सेट्स पे, तो हमने 200 रेडियो सेट्स का कॉस्ट निकाल लिया, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ गया। क्लियर है? अब आपसे कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट एकदम इजीली बन जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज नाउ क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, चल सकते हैं आगे अपन। Now let's see number 7. Sri Mehta of Mumbai consigns 1000 cases of goods costing rupees 1000 each to Sri Sundaram of Chennai. Mumbai wala kya kar raha? Mumbai wala Chennai wale ko goods bhej raha bhaiya bechne ke liye. To Mumbai wala is consigner, Chennai wala is consignee. Isko main M likh dun, isko main C likh dun. Clear hai? ये है मेरा कंसाइनर और ये मेरा कंसाइनी। इसने कितना कंसाइन किया? 1000 केसेस कंसाइन किया और कॉस्टिंग है 1000। वैल्यू कितना हो गया? 10 लाख रुपए का गुड्स कंसाइन किया है। क्लियर है? और मेहता पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन कनेक्शन। मेहता तो कंसाइनर है, तो कंसाइनर तो वैसे भी जो भी एक्सपेंसेस करे गुड्स भेजने में, दैट्स माय डायरेक्ट एक्सपेंस। उसने क्या क्या खर्चा किया? उसने भैया कैरेज दिया, कैरेज मतलब भाड़ा 10,000, देन फ्रेट लोडिंग चार्जेस, नहीं 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 कुली वाला लोडिंग लोड करवाने के लिए फ्रेट 30,000, लोडिंग 10,000, ये कंसाइनर के पॉकेट से लगा है तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा। आगे क्या बोला? श्री सुंदरम सेल्स 700 केसेस एट 1400 पर केस एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। यानी ये क्या करेगा बेचारा, ये इसको अकाउंट सेल भेजेगा, इसने इसको अकाउंट सेल भेजा होगा राइट। इस अकाउंट सेल में वो क्या लिख रहा है कि मैंने सेल कर दिया कितना, 700 केसेस 1400 रुपए में एक है ना, इसका मतलब 980,000 रुपीस का उसने सेल्स किया है। 1000 में तो 700 क्या हो गए, सेल हो गए। आगे क्या बोल रहा है? एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, क्लियरिंग चार्जेस। ध्यान रखना क्लियरिंग चार्जेस क्या होता है, क्लियरिंग चार्जेस का मतलब होता है कि गुड्स गुड्स यहाँ तक ट्रांसपोर्टर या फिर पोर्ट पे आया होगा, उसके बाद यहाँ से घर तक लाने में जो एक्सपेंस लगता है उसको अपन क्लियरिंग चार्जेस बोलते हैं। इसका मतलब क्लियरिंग चार्जेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। यस बिल्कुल,
तो क्लियरिंग चार्जेस तुम्हारा इस स्टेज में लगा होगा। फिर वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज तो क्या है, पहुंचने के बाद लगता है, तो ये तुम्हारा क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वेयर हाउस कॉस्ट लगा उसके पॉकेट से कितना 17,000, वो ये अकाउंट सेल में लिख के भेजेगा। उसके बाद में पैकिंग एंड सेलिंग, ये भी क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस 6,000, और इधर मैं ऐड कर देता हूँ क्लियरिंग। इतना चीज उसने क्या किया होगा, अकाउंट सेल में लिख के भेजा है, और एक चीज भेजा होगा, दैट इज उसका कमीशन कितना बनता है। इट इज फाउंड दैट 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड 100 केसेस आर स्टिल इन ट्रांजिट। ओहो, ये क्या बोल देता है, ये सब क्वेश्चन है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। 50 गए लॉस्ट इन ट्रांजिट, ठीक है। अब बचे कितने, आगे कितने जा रहे हैं, 950, ठीक है। अब 950 में से 100 अभी भी क्या है, इन ट्रांजिट है, और बाकी क्या हुआ है इसमें से, ये तो इन ट्रांजिट है और बाकी क्या हो गया होगा, एक कंसाइनमेंट पहुंच गया यहां तक, कितने पहुंचा यहां तक 850। फिर 850 पे क्लियरिंग चार्जेस पे करके कंसाइनी के घर पे आ गया, उसमें से 700 क्या हो गया सेल, और 150 क्या है स्टॉक, क्लियर है। आगे क्या बोला, श्री सुंदरम इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन ग्रॉस सेल्स, तो कमीशन कितना होगा, 9,80,000 का 10%, नाइनटी एट थाउजेंड, क्लियर है। अब देखो दो दो वैल्यूएशन करना है, पहले तो इस एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करते हैं। इस एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कैसे होगा, 50 केस, एक केस का वैल्यू 1,000, दैट मीन्स 50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लगे थे कंसाइनर के पॉकेट से, 50,000, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1,000 इनटू 50, तो अपने को पता चल जाएगा कि कितना डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50 केसेस पे है, 2,500, यानी एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ 52,500। क्या इंश्योरेंस कंपनी कुछ पे कर रही है क्या, कहीं पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कंप्लीट एबनॉर्मल लॉस कितना मेरा 52,500, क्लियर है ये चीज। अब देखो एक तो ये हो गया, अब ये वाला गुड्स इन ट्रांजिट बोलते हैं इसको, इसका वैल्यू भी निकालना पड़ेगा क्योंकि कंसाइनमेंट के क्रेडिट में आएगा ये बाय गुड्स इन ट्रांजिट बोल के कंसाइनी के पास, ठीक है। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, 100 × 1,000, 1,00,000 रुपए का तो वैल्यू ही है उसका, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब बताओ मुझे क्या ये वाला डायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा क्या उस पे, ये तो पहुंचा ही नहीं ना, ये वाला 8,500 किस पे लग रहा है, इन गुड्स पे जो पहुंच चुके हैं, यानी इन गुड्स के ऊपर तो सिर्फ अभी तक ये वाला डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, क्लियर है ये चीज, है ना। तो कैसे निकलेगा, प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 1,000 इंटू 100 कितना हो गया 5,000, यानी 1,05,000 इज गुड्स इन ट्रांजिट, क्लियर है ये चीज। एबनॉर्मल लॉस निकल गया, गुड्स इन ट्रांजिट निकल गया, कमीशन निकल गया। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू कैसे निकलेगा, 150 इंटू 1,000, 1,50,000 तो उसका वैल्यू है ही, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 50,000 डिवाइडेड बाय 1,000 इनटू 150, क्लियर है ये। 7,500 का ये डायरेक्ट एक्सपेंस तो लगा ही था, प्लस क्लियरिंग चार्जेस भी,
क्यों? ये जो कंसाइनर के पॉकेट से डायरेक्ट एक्सपेंस लगा है ये तो इमीडिएटली उसी टाइम लग गया जब उसने गुड्स भेजा था, और गुड्स भेजा कितना था 1000 केसेस, तो उसी पे लगेगा ये डायरेक्ट कॉस्ट तो, और बाकी जो एक्स्ट्रा डायरेक्ट एक्सपेंस और एक है दैट इज 8500, वो कितने पे था 850 केसेस पे, तो 150 के लिए कितना 1500, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, वन लैख 59,000। क्लियर है, सारी इंफॉर्मेशन हमने ब्रेक कर ली, बस इसी को क्या करना है अब कंसाइनमेंट अकाउंट में पुट डाउन करना है, और फिर कंसाइनी अकाउंट नॉर्मल बनता है जैसे अपन बनाते हैं। आई होप अब तुम लोग कंसाइनमेंट और कंसाइनी अकाउंट बना लोगे। अब हो जाएगा नंबर 7, तो इसके बाद और आगे चलते हैं। आई आराम से इसको उतार लीजिए आप लोग। सी वन ऑफ द गुड क्वेश्चन इन कंसाइनमेंट, पढ़ते इलस्ट्रेशन नंबर 8, अजय ऑफ मुंबई कंसाइन टू विजय ऑफ दिल्ली, यानी एक मुंबई वाला है और एक दिल्ली वाला है। आराम से देखो स्टोरी को ब्रेक करते रहना कैसे चल रहे हैं, उस तरीके से ही आप कैलकुलेट कर पाओगे। अजय इज द कंसाइनर वेयर एज विजय इज द कंसाइनी। अजय ने विजय को गुड्स भेजा एट इनवॉइस प्राइस, यानी ये यहां से गुड्स भेजता है, ठीक है, लेकिन कैसे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे भेजता है वो, इनवॉइस प्राइस पे। कॉस्ट होगा 100 रुपए और प्रॉफिट होगा 25 रुपए, तभी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा इनवॉइस प्राइस 125% हो जाएगा। कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट इज ₹25, तो 125 इज द इनवॉइस प्राइस, वही बोल रही है। Sold at invoice price which represents 125% of cost. Vijay is entitled to a commission of 10% on sales at invoice price and 25% of any excess realized over invoice price. इसका मतलब बोल द ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगा, इनवॉइस प्राइस पे जितना सेल किया है उस पर 10% मिलेगा। इनवॉइस प्राइस बोले तो सेलिंग प्राइस से भी ज्यादा प्राइस में यदि उसने सेल किया है उस एक्स्ट्रा अमाउंट पे उसको 25% कमीशन मिलेगा। The expenses on freight and insurance incurred by Ajay, ये तो क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस, कंसाइनर ने डायरेक्ट एक्सपेंस किया कितना, freight and insurance 10,000, तो इधर लिख सकते हैं freight and insurance 10,000, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया मेरा। The account sales received by Ajay shows that Vijay has affected sales amounting to ₹1 lakh. In respect of 75% of the consignment, इसने इसको account sale भेजा होगा, right? इस account sale में क्या बोला कि जितना भी goods उसको मिला है उसमें से 75% उसने सेल कर दिया है and उसको सेल किया 1 लाख रुपए में, ये information का मतलब। He is selling expenses to be reimbursed, और उसने अपने pocket से कितना expense किया, सेलिंग एक्सपेंस लगे उसके पॉकेट से कितना, ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब बोलता है 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू इतना वेर डिस्ट्रॉयड इन फायर एट दिल्ली गोडाउन, इसका मतलब जितना भी गुड्स भेजा था वो पूरा का पूरा मिला है यहाँ, रस्ते में कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, यहाँ 100% गुड्स आया था, इसके पास में 100% गुड्स आया है, उसमें से क्या बोलता है 10% लॉस्ट हो गया बाय फायर, तो इसके पास जो गुड्स आया होगा वो तो क्या होगा इनवॉइस प्राइस पे ही होगा। क्लियर है, तो 10% इसका 10% वैल्यू कितना है 12,500, दैट मीन्स रिवर्स कैलकुलेशन करके हम लोग 100% निकाल सकते हैं। If, ये तो क्या लॉस बाय फायर है, तो उसने गुड्स भेजा कितना होगा,
इफ टोटल 100% में से 10% का वैल्यू 12,500 है, इसका मतलब 100% का वैल्यू कितना 1,25,000 हुआ ना। ये कैसे निकाला हमने, 12,500 डिवाइडेड बाय 10%। इफ 10% 12,500 रुपए होता है तो 100% कितना होगा, तो 1,25,000। इसका मतलब उसने जो ये गुड्स भेजा है दैट इज ऑफ द वैल्यू 1,25,000 एंड दिस इज माय इनवॉइस प्राइस, यही मेरा इनवॉइस प्राइस है। यानी इसको चाहे तो अपन सेग्रीगेट भी कर सकते हैं, लोडिंग निकाल सकते हैं ना। कॉस्ट कितना होगा, ये तो क्या है गुड्स सेंड हो गया, इतना का गुड्स भेजा एंड दिस इज एट इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट और लोडिंग निकाल सकते हैं ना अपन। तो कितना होगा 125,000, क्या है मेरे 125% है ना, तो डिवाइडेड बाय 125%, इसका मतलब कॉस्ट कितना 1,25,000 प्रॉफिट। 100 प्लस 25 था ना इज इक्वल्स टू 125%, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस, तो दैट मींस माय इनवॉइस प्राइस इज 125%। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं क्या, बताओ ये निकालने में प्रॉब्लम है क्या आप लोग को, ये निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोडिंग कैसे निकला मेरा 125,000 डिवाइडेड बाय 125 into 25, बिकॉज दिस इज 125% ना एट इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट निकल गया, लोडिंग निकल गया, क्लियर है यहां तक। अब उसमें से क्या बोला उसने, आउट ऑफ दिस 75% उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। इनवॉइस प्राइस ऑफ सेल्स कितना होगा, 1,25,000 का 75% 93,750। कैसे 75% इनवॉइस प्राइस वैल्यू तुम्हें पता ही नहीं है, वो जो वैल्यू है वो तो सेल वैल्यू है। इनवॉइस प्राइस ऑफ सेल हो गया तुम्हारा 93,750 और एक्चुअल सेल वैल्यू कितना है 1,00,000 है ना। तो ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस कितना वैल्यू हो गया 6,250 हुआ है ना, क्लियर है ये चीज। तो अब हम लोग कमीशन निकाल सकते हैं। कमीशन क्या बोला था, नॉर्मल इनवॉइस प्राइस पे कितना, देखिए यहां पे बोला ना इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस पे जितना सेल वैल्यू है उस पे तो 10% मिलेगा, तो इसका 10% यानी और ओवर एंड अबव इनवॉइस प्राइस कितना है, क्या कमीशन का पॉइंट क्लियर है, हाँ? अब देखो जो ये लॉस हुआ था, लॉस बाय फायर, ये तो एबनॉर्मल लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस, लॉसेज आर ऑलवेज एट कॉस्ट, लॉसेज आर ऑलवेज एट कॉस्ट, बट इनवॉइस प्राइस ऑफ लॉस्ट स्टॉक कितना है, ये तो इनवॉइस प्राइस है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, लोडिंग माइनस करना पड़ेगा, माइनस लोडिंग कितना था, लोडिंग 12,500 डिवाइडेड बाय 125 into 25, ये तो 125% है ना, सिर्फ लोडिंग पार्ट निकालना है ना मुझे, कॉस्ट तो वो तो 100% कॉस्ट वैल्यू आएगा, मैं तो डायरेक्ट क्या निकाल रहा हूँ, प्रॉफिट एलिमेंट निकाल रहा हूँ ना, डिवाइडेड बाय 125% करोगे 12,500 डिवाइडेड बाय 125% तो तुम्हारा 10,000 आएगा, वो तो कॉस्ट वैल्यू हो गया ना,
और इसको करने से मैंने क्या निकाला, लोडिंग निकाला 2500। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट कितना 10,000 प्लस इसमें क्या होगा एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना 10,000 इनकर किया था कंसाइनर ने, तो 10,000 डिवाइडेड बाय कितना, डायरेक्ट 10% कर लो, क्योंकि देखो कॉस्ट का 10% ही तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, आप डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हो, और जिसको ये डायरेक्ट नहीं समझ में आए वो ऐसे भी कर सकते। 10,000 1 लाख के लिए लगा था, 1 लाख कॉस्ट वैल्यू के लिए, तो 10,000 की कॉस्ट वैल्यू के लिए कितना लगेगा, और 10,000 लगा था आपके 1,25,000 के लिए, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर 12,500 दोनों तरीके से, और सीधा 10,000 का 10% कुछ भी करो, 10%। तुम्हारा एक्सपेंस है इतना 10,000 और कॉस्ट वैल्यू 1 लाख, तो परसेंटेज निकाल सकते हैं ना इसका, 10% ऑफ कॉस्ट आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 1,02,000, 10% जब 10% डिस्ट्रॉय हो रहा है तो 10% ऑफ कॉस्ट वैल्यू भी उसका डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है। नहीं, ऐसा तो गलत इंटरप्रिटेशन है तुम्हारा, ऐसे नहीं हो सकता ना, कुछ वैल्यू और भी तो हो सकता था लॉस्ट का, और यहाँ पे खर्चा कुछ और हो सकता था। सपोज एक्सपेंसेस 7,000 होता तो बस एक ही है। उससे फर्क नहीं पड़ता, दैट लैंग्वेज एंड योर इंटरप्रिटेशन इज टोटली डिफरेंट। उस लैंग्वेज का डायरेक्ट एक्सपेंस से कोई कनेक्शन नहीं है, वो सिर्फ एबनॉर्मल लॉस के बारे में बोला है, आपको डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में नहीं बोला कि डायरेक्ट एक्सपेंस भी उतना ही परसेंट है। लॉस तो कोई भी परसेंटेज हो सकता था, यहाँ पे बाई लक आपका एग्जैक्टली मैच कर रहा है वो लैंग्वेज और यहाँ पे परसेंटेज जो कैलकुलेट किया है, ये कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन नहीं ले सकते अपन। इससे कितना हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस मेरा 1,000, दैट मीन्स एबनॉर्मल लॉस कितना, अच्छा क्या इंश्योरेंस कंपनी कुछ दे रही है, कुछ भी नहीं, तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या है एबनॉर्मल लॉस। सपोज इंश्योरेंस कंपनी 12,000 दे रहा है तो बाकी का 1,000 का प्रॉफिट। पहला बात है ऐसा कभी होता ही नहीं, इसीलिए जो आपका जो ओल्ड मॉड्यूल है उसमें से ये पॉइंट हटा, नया वाला मॉड्यूल में ये पॉइंट हटा दिया है, उनका लास्ट मॉड्यूल में प्रिंटिंग एरर था कि लॉस ही जब 11,000 हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी कैसे 12,000 दे सकती है। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमारा नुकसान हुआ है 10,000 का और इंश्योरेंस कंपनी हमें ज्यादा दे दे, इंश्योरेंस कंपनी तो कितना देती है, जितना लॉस होता है या फिर उससे कम। ज्यादा कभी मिला है क्या इंश्योरेंस कंपनी से, ऐसा कभी नहीं हो सकता, नेवर एवर, कभी भी नहीं। लॉस से ज्यादा तो आपको इंश्योरेंस कंपनी कभी देगी नहीं ना। ये निकल गया, और क्या निकालना है आपको, कमीशन निकाल चुके आप, एबनॉर्मल लॉस निकाल चुके, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट हो चुका, डायरेक्ट एक्सपेंस हो चुका, अब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 25% इसके पास में पड़ा है, उसका इनवॉइस प्राइस कितना है, 25% होगा क्या, यस 15% ही तो इसके पास में होगा स्टॉक में, 18,750 इतना होगा, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी हमेशा कॉस्ट भी होता है, तो इनवॉइस प्राइस ऑफ इन्वेंट्री 18,750, इसमें से क्या करेंगे, लोडिंग माइनस करेंगे, 18,750 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25 3,750, अरे सीधा प्रॉफिट एलिमेंट निकाल रहा हूं मैं, 125% करने से तो कॉस्ट आएगा ना, तो मैंने सीधा प्रॉफिट को परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दिया, तो तुम्हारा प्रॉफिट एलिमेंट आ गया डायरेक्ट,
कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना आएगा, 15,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है, निकालने का बहुत सा तरीका था। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, डायरेक्ट ये भी ले सकते हैं, 10,000 डिवाइडेड बाई 125,000 इनटू 18750। हर तरीके से कैसे भी करो आंसर सेम आएगा। दैट मीन 16,500 इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या सारी इंफॉर्मेशन जो जो एक कंसाइनमेंट अकाउंट के लिए चाहिए हमने निकाल ली? कमीशन चाहिए, निकाल लिया। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट चाहिए, निकाल लिया। उसका लोडिंग भी कर लिया, फिर एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन वो भी कर लिया, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया। सो अब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने में तो 2 मिनट लगेगा। देखो कि कैसे बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट टू विजय अकाउंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 125,000, टू कैश अकाउंट कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किया, बाय विजय अकाउंट जो उसने सेल किया, कितना सेल किया, 1,00,000, टू विजय, उसको क्या क्या मिलना है, उस एक्सपेंस का नाम क्या है, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस मिलेगा उसको 8,000, और क्या मिलेगा, कमीशन हमने कैलकुलेट किया था कितना था, 10937.5, अप्रोक्सीमेटली भी ले सकते हैं आप 10938, ये हो गया। उसके बाद में बाय एबनॉर्मल लॉस 11,000। अब क्या करना है, इन्वेंट्री पे जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट उस पर लोडिंग था ना, लोडिंग को एलिमिनेट करना पड़ेगा, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग 25,000। By inventory on consignment, closing inventory का value निकाला था हमने, at invoice price कितना हो जाएगा, 18750 plus 1500, 20250 at invoice price, ये तो invoice price पे है मेरा, इसका loading इस तरफ आएगा, to stock reserve that was 3750, loading on closing stock। इसके अलावा तो कोई डेटा था ही नहीं क्वेश्चन में। तो आपका नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कंसाइनमेंट आ जाएगा, 1,00,000 प्लस 11,000 प्लस 25,000 20250, इसका टोटल आ रहा है 156,250, लॉस आ रहा है 1437.5 का, 1437.5 का लॉस आ रहा है आपका। By profit and loss account,
बैलेंसिंग फिगर 1437.5। क्या चीज? वो तो इनवॉइस प्राइस पे निकालना था। इनवॉइस प्राइस पे कितना था इन्वेंट्री उसके पास में? 1,875.0 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट? जो प्रॉफिट था वो तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में शो करेंगे एज ए स्टॉक रिजर्व। विद दिस क्या हम लोग को कंसाइनिंग अकाउंट भी बनाना है क्या? प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड द अकाउंट ऑफ विजय। तो एक सेकेंड, हम लोग विजय का अकाउंट भी बना लेते हैं फटाफट, दो मिनट, उसके बाद आप लोग आराम से नोट डाउन कर लेना। विजय अकाउंट टू कंसाइनमेंट टू विजय, उसने जो सेल किया था 1 लाख बाय कंसाइनमेंट टू विजय, उसको क्या क्या मिलना है? सेलिंग एक्सपेंस 8,000 और उसका कमीशन 10937.5। तो बाय बैंक और बैलेंस सीडी कंसाइनी का अकाउंट भी खत्म। विद दिस वी कम्स टू द एंड ऑफ कंसाइनमेंट। अब जो मॉड्यूल के आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो आपसे आराम से हो जाएंगे, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग आराम से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।